नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। शनि देव का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन शनि देव से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनि देव को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है और शनि देव जो है कर्मों के आधार पर फल देते हैं। वक्री शनि अभी तक चल रहे थे और वक्री शनि कुछ राशियों को बहुत बुरे परिणाम दे रहे थे, कुछ राशियों को कुछ अच्छे परिणाम भी दे रहे थे। तो शुभ अशुभ जो है जीवन में चलता रहता है, एक घड़ी में शुभ है, एक घड़ी में अशुभ है। तो कुछ राशि वालों के काम जो थे बिना बाधाओं के, बिना दिक्कतों के बनते चले जा रहे थे। कुछ राशि वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा था, उसके बावजूद भी उनके काम नहीं बन रहे थे। कुछ राशियों को शनि की साढ़े साथी थी तो साढ़े साथी के प्रभाव में भी थे। तो बहुत लोगों को अपने जीवन में अभी शनि के कारण बनते हुए कामों में रुकावट देखने को मिल रही थी और ये रुकावट जब भी किसी के भी जीवन में आती है तो थोड़ा परेशान हो जाता है और उसको दिक्कत होती है कि कब मेरे काम बनेंगे, कब मुझे जीवन में सुख और सफलता मिलेगी। तो अब 18 सितंबर से शनि धनु राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी शनि का प्रभाव कन्या राशि वालों के जीवन में, जो भी जातक हैं, जातिकाएं हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा और क्या कुछ उनके लिए अब अच्छा होने वाला है, ये सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में उपाय भी होंगे और ग्रहों के समीकरण के द्वारा क्या कुछ आपके लिए बेहतर होने वाला है आगे आने वाले दिनों में 18 सितंबर के बाद। मार्गी शनि किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता और बहुत सारे अच्छे अनुभव लेकर आने वाले हैं, आइए जानते हैं। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। सबसे पहले जान लेते हैं वक्री क्या होता है और मार्गी क्या होता है। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना और मार्गी का मतलब होता है सीधा चलना। तो अभी तक शनि जो थे वो उल्टे चल रहे थे और शनि की वैसे ही चाल जो है धीमी है और जब भी कोई इंसान या ग्रह उल्टा चलता है तो उसकी स्पीड और कम हो जाती है और जो आदमी पहले से ही धीमे चलता हो और वक्री हो जाए तो डबल धीरा हो जाता है, यानी बहुत धीमी गति से प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उन लोगों के लिए अच्छे प्रभाव भी हैं जिनको दुख मिलने हो तो दुख बहुत धीमी गति से मिलते हैं। अब उन लोगों के लिए बुरा प्रभाव भी है जो वक्री शनि होते हैं कि सुख मिलने होते हैं तो सुख में बड़ा विलंब होता है, बहुत धीमी गति से सुख मिलते हैं। तो एक तालमेल है, एक बैलेंस है जो ग्रहों का हमेशा चलता रहता है। लेकिन अभी जो है शनि मार्गी होने वाले हैं 18 सितंबर से। तो मार्गी का मतलब हो गया सीधा, नाक की सीध में जब भी आप चलेंगे तो अच्छी स्पीड में चलेंगे और आपकी जो चाल है वो बढ़िया होगी और आप डगमगाएंगे नहीं और अपने लक्ष्य को सफलता से प्राप्त कर लेंगे। तो अब आप लोगों को मार्गी शनि कुछ बेहतर परिणाम देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं शनि देव की तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि। ग्रह जहां बैठते हैं वहां से अलग अलग भावों को देखते हैं, हर ग्रह की अपनी अलग अलग दृष्टियां होती हैं और उससे वो जिस भाव को देखते हैं वहाँ पे अपने अच्छे और बुरे प्रभाव डालते हैं। अच्छे और बुरे प्रभाव ग्रह की प्रकृति के ऊपर, ग्रहों के संयोग के ऊपर निर्भर होता है कि किस प्रकार के प्रभाव देंगे। और हम फलादेश को जाने और सब कुछ समझें तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। शनि देव चौथे भाव में मार्गी हो रहे हैं, शनि देव के साथ केतु भी यहाँ पर विराजित हैं। चतुर्थ घर है सुख सुविधाओं का, संपत्ति का, माँ का, प्रॉपर्टी का, वाहन का और जीवन में जो भी हम राशिक और भौतिक सुख भोगते हैं उसका भाव है चौथा भाव। तो शनि देव अभी तक चौथे भाव में वक्री थे, 18 तारीख से मार्गी होने वाले हैं और आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी की जो ढया है उसका भी प्रभाव है जो अंतिम चरण में चल रहा है। आप जानते हैं ये सारी बातें जो मैंने बताई इन सब का रिजल्ट क्या आपके जीवन में होगा, यानी कि फलादेश और 18 सितंबर के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, जो अब में और तब में क्या परिवर्तन होने वाला है, यानी 17 सितंबर तक और 18 सितंबर के बाद। आपका घर बनाने का सपना जो आप लंबे समय से देख रहे थे, छोटे घर से बड़े घर में जाने का सपना जो आप लंबे समय से देख रहे थे
और अभी तक किन्हीं कारणों से ये सपना बार बार पूरा नहीं हो पा रहा था और आपका सपना टूट रहा था। कई बार पैसा था तो अच्छा घर नहीं मिला, कई बार अच्छा घर मिला तो पैसा नहीं था, कई बार पैसा था घर भी था लेकिन पैसा किन्हीं और जगहों पर लगाना पड़ गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट किसी तीसरी जगह पर हो गई जिसकी वजह से आप पैसे को घर में निवेश नहीं कर पाए और मन की इच्छाएं मन में ही रह गई। तो अब आपके जो देखे हुए सपने थे घर को लेकर, हर इंसान का एक सपना होता है कि जीवन में कम से कम एक बेहतर घर उसका होना चाहिए। तो अगर आपने भी ये सपना देखा था पिछले दिनों में, तो अब ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। आपका घर बनाने का सपना जरूर पूरा होने वाला है, तो इसमें आप प्रयास कर सकते हैं। पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा, बैंक लोन मिल जाएगा, या आप अपने पास से ही सेल्फ फंडिंग भी कर सकते हैं या कर सकती हैं। पिछले दिनों में आपने जो अनेक जमीन प्रॉपर्टी घर देखे थे, बहुत कुछ जाना था, बहुत कुछ समझा था कि मार्केट किस प्रकार की चल रही है, कौन सी जगह पर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप उन्हीं में से कोई एक अच्छा सा घर या उन्हीं में से कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी चुन लीजिए और उसमें आगे बढ़कर निवेश करिए और घर बनाने के अपने सपने को पूरा करिए। और ये आपके लिए एक अच्छी खबर है जो लोग घर बनाना चाहते हैं। शनिदेव आपकी हर प्रकार की जमीन से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे। कुछ लोगों की जमीन थी वो बेचना चाह रहे थे, कुछ लोगों का घर था वो उसको किराए पे चढ़ाना चाह रहे थे, कुछ लोगों का घर था जिसको बेचकर कुछ और नया लेना चाह रहे थे, बड़ा घर लेना चाह रहे थे, या यहाँ से पैसा आए इस पैसे को बिजनेस में लगाना चाह रहे थे या किसी और ज़रूरत की चीज़ों में लगाना चाह रहे थे। तो हो सकता था कि आपको या तो ग्राहक ना मिल रहे हों या मन मुताबिक दाम ना मिल रहे हों, तो अब आपके लिए अच्छे ग्राहक भी आएंगे और आपके जो ज़मीन प्रॉपर्टी या जो भी कुछ है जो आप बेचना चाह रहे हैं उसके सही दाम भी आपको मिलेंगे और आप मुनाफा भी कमाएंगे और जो सपना आपने देखा था उस सपने को भी आप पूरा कर पाएंगे। तो शनि देने जा रहे हैं आपको सपनों का घर और शनि आपको देने जा रहे हैं पुरानी प्रॉपर्टी, जमीन, फंसे हुए विवादित मामले जो प्रॉपर्टी से संबंधित हैं उनमें विजय प्राप्ति या उसका कोई सलूशन निकल आएगा जो आपके पक्ष में रहेगा। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी मामले थे यहाँ पर आपका पक्ष जो है अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, शनि की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। अब हर इंसान को तो घर खरीदना नहीं होता है, कई लोगों के पास पहले से ही बहुत बढ़िया घर है, सब कुछ है, तो उनके जीवन में जो घर में से जुड़ी हुई सुख सुविधाएं होती हैं, चीज़ों का आना, घर में लग्जरी आइटम्स आना, घर में बढ़िया बढ़िया नई नई चीज़ों का आना, बढ़िया टीवी, बढ़िया फ्रिज, बढ़िया ये बढ़िया वो, घर का सौंदर्यीकरण कराना, घर पुराने स्टाइल का था तो नए स्टाइल का करवा लेना, घर को वाइट वॉश करवा लेना, घर को नया बना लेना, इन सब चीज़ों पर भी आप पैसा खर्च करेंगे और अपने जो घर की लुक है उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। कैरियर के क्षेत्र में बड़ी प्रगति आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको कुछ भी पाने के लिए सपने देखने चाहिए लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और कर्म भी करना चाहिए। तो अगर आपने पिछले दिनों में कुछ सपने देखे थे अपने कैरियर को लेके कि मेरी नौकरी यहाँ होनी चाहिए, मेरे को ये पढ़ाई करनी चाहिए, मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो अब वक्त आ गया है कि थोड़ी सी मेहनत करें, तैयारी करें और अपने देखे हुए सपने को पूरा करें। पिछले दिनों आपने बहुत खोजबीन किया, इधर से निकाला उधर से निकाला, ये बढ़िया है वो अच्छा है ये कर सकते हैं, वो सारा परिश्रम आपका हो गया। अब फाइनल राउंड की बात है तो फाइनल राउंड में थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, शनि देव आपको अच्छे परिणाम दे देंगे, आपको अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, आपकी बढ़िया जगह पे नौकरी लग सकती है, अच्छी पैकेज में नौकरी लग सकती है, बड़े शहर में नौकरी लग सकती है, देश विदेश में कहीं पर भी आप ट्राई करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, तो आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांस शनिदेव बना रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बढ़िया वक्त आ गया है। आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाले हैं और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके खुद को तो ऊपर लेकर जाएंगे ही जाएंगे, आपके घर परिवार को भी बहुत सम्मान दिलाएंगे। लोग कहेंगे कि ये आपका बच्चा है, ये बहुत ही होनहार है, बहुत ही लायक बच्चा है, इसको सुनकर, इन शब्दों को दूसरों के मुंह से सुनकर आपको बहुत खुशी
प्रदान होने वाली है। यदि आप डॉक्टरी लाइन से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। आप अपनी माँ के साथ या माँ की उम्र की किसी महिला से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं इस समय में। आपका अटैचमेंट आपकी माता जी से तो होगा ही, लेकिन माता की उम्र की किसी अन्य महिला के साथ आपका अटैचमेंट बहुत हो सकता है। अब वो चाहे आपकी बुआ हो या कोई कोई और रिश्ता हो, आपकी मौसी हो, मासी हो, या कोई पड़ोस में रहने वाली महिला हो, यानी कि इस समय में आपकी जो माता जी हैं उनकी हम उम्र या उनकी उम्र की जो भी महिलाएं होंगी उनसे आपका अटैचमेंट बढ़ेगा और एक उनके साथ आपका जो बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ेगी और उनके आशीर्वाद से आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। यानी कि आपको दो दो माओं का प्यार और दो दो माओं का आशीर्वाद इस समय में मिलने वाला है, जो काफ़ी असरदार होगा और एक सुनहरे भविष्य को बनाने वाला होगा। हो सकता है आपकी माता जी की उम्र की किसी महिला से आपकी जो है दोस्ती हो जाए, उनसे बहुत अच्छा आपके गहरे पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाए और वो कुछ ऐसी सलाह दें, वो कुछ ऐसी आपकी मदद कर दें या आपकी सहायता कर दें जिससे आपका कैरियर या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में आपकी बहुत बड़ी सहायता हो जाए। और फिर जो इंसान हमारे लिए सहायता करता है, जो हमारे पक्ष में बोलता है, उससे बहुत अच्छे रिश्ते बनना स्वाभाविक बात है। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी आपके जीवन में एक नया मोड़ ले सकती है। शनि देव आपको आपकी माता जी की उम्र की किसी महिला से आशीर्वाद और प्यार दिलाकर तरक्की दिलवा सकते हैं। आपके जो भी दुश्मन हैं वो भी लोग आपके मित्र बनने वाले हैं। वो आपके बनते हुए काम में बाधा पैदा करने का साहस नहीं करेंगे, आप उनको करारा जवाब देंगे। पहली बात तो आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके काम में रोड़े नहीं अटकाएंगे और यदि गलती से उन्होंने मूड बना लिया कि हमें आपको परेशान करना है तो आपका करारा जवाब उनको दूर दूर तक भगा देगा आपसे, यानी वो आपके आसपास ही टिक नहीं पाएंगे। आप अपने विरोधियों के मुंह बंद करेंगे, आप नई नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं, बेरोजगारों को काम मिलना निश्चित है, मेहनत और प्रयास जरूर करिएगा। आपकी सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर आपको ईश्वर की भक्ति दान पुण्य का अवसर मिलता है तो इस मौके को गंवाइएगा नहीं, बहुत ही बढ़िया मौका है आपके लिए और ईश्वर की भक्ति करने से आपका काम और शीघ्रता से बनते चले जाएंगे। सारी बातों को अगर हम देखें तो शनि देव का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम हर क्षेत्र में लेकर आ रहा है, चाहे वो पारिवारिक रिश्तों की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो, पारिवारिक खुशियों की बात हो, नौकरी व्यवसाय की बात हो, देश विदेश की यात्रा की बात हो, वाहन सुख हो, घर से जुड़ा हुआ कोई सुख हो, घर बनाने का सुख हो, घर नया घर लेने का सपना हो, छोटे घर से बड़े घर जाने का सपना हो, तो सब कुछ आपके लिए बेहतर होने वाला है शनि देव की कृपा से। तो अब आप इस मौके को गवाइए नहीं, सोचना बंद करिए और जो सोच लिया है, जो सपने देख लिए हैं, उनको वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हो जाएं और फिर देखें आपके जीवन में किस प्रकार की खुशियां आपको मिलने वाली हैं। और ये समय आपके लिए बहुत ही आनंद का, खुशियों का और प्रसन्नता का होने वाला है। तो शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे, आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और आनंदित रहें। और शनि देव यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से अच्छे फल नहीं दे रहे हैं या कोई दिक्कत है या परेशानी है तो आप शनिवार वाले दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। और झूठ ना बोलें, किसी का नुकसान ना करें, किसी का अहित ना करें, गरीब को सताए नहीं और जितना हो सके लोगों की सहायता करें, जितना हो सके, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं और जितना हो सके लोगों की सेवा करें, धर्म कर्म करें, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो बहुत संभल कर इस समय को बिताएं क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। तो संभलना इसलिए ज़रूरी है कि इस बेहतर समय का आप सदुपयोग कर पाएँ। हरिओम, नमस्कार।